नमस्कार, मैं हूं भव्य और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। दिल्ली से एक खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कुत्तों का आतंक एक हफ्ते में कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कुत्तों के आतंक की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं और घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के पास इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर, इन दिनों कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से यहां पर आवारा कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारा घर से भी निकलना मुश्किल हो गया है और हम इनकी वजह से दहशत में हैं। आए दिन कुत्ते की काटने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और हम घरों में कैद होकर रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, हम घरों में कैद होकर रह रहे हैं। सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम रामदास मलिक है। सर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुत्तों का काफी आतंक है, कितनी दिक्कतें हैं इनकी वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से? दिक्कत यहाँ लोग ना कैद है, बच्चे भी कैद है इनके अंदर से, औरतें भी कैद है, कोई डर के मारे से बाहर निकल नहीं रहा। ये एक प्रकार के घर नहीं, जेल बनी हुई है कुत्तों के डर की वजह से। यहाँ पर कोई कहीं जा ही नहीं पा रहा, कितने लोग काट दिया, कैसे जाएं बाहर, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अब छोड़ने वाला भी जा पा रहा, उनको भी काटते हैं। ये तो बेहद आतंक है जी कुत्तों का। तो सर ये बताइए कि आपको भी कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, क्या क्या डर है? मैं 3 दिन पहले की बात है, मैं सवेरे गुरुद्वारे के लिए आया हूँ और पता नहीं कहाँ से कुत्ता निकल के आया और सीधी टांग पे काट दिया जी, और उसके बाद ये टीके ही लग रहे हैं जी अभी तक। और ये डर इतनी दहशत बैठी के दोबारा यहाँ गाड़ी उठाने भी आते हैं तो सुबह सोच में पड़े रहते हैं कि फिर कभी ऐसा दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो घर में बच्चे भी कैसे निकलते हैं? सर बच्चे तो देखो, बड़ों को नहीं छोड़ रहे तो बच्चों को तो अब ऐसे कि डर के मारे हम इधर भेजते ही नहीं है, अब क्या करें, क्योंकि बच्चा छोटा, अब हमने तो सहन कर लिया, छोटे बच्चे का तो नाजुक बच्चा होता है, उसको तो फिर घर ही रखा हुआ है। सर ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पे, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं भाई साहब? यहाँ पर हर दिन कम से कम 2-4 घटनाएं होती रहती कुत्तों के साथ, और कुत्ते अपना शिकार बना लेते हैं। जो यहाँ रास्ते चलने वाले लोग हैं, यहाँ माताएं बहनें सुबह शाम सब्जी लेने निकलती हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं ये। स्कूल में बच्चे भी जाते हैं तब भी पकड़ लेते हैं, और रात शाम रात में तो और ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है यहाँ के लोगों को, वासियों को। तो क्या नाम है, जब मर्जी हो निकलता कोई आदमी तभी वो पकड़ लेते हैं पैर को। और एक डर लगता है अब तो, जब हम लोगों को डर लगता है कि हम कभी डंडे लाठी लेके निकलें तब जाकर यहाँ निकलना मुश्किल होता है, नहीं तभी गुजारा है, वरना गुजारा नहीं होता। इसे सरकार से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश भी है, इसका कोई उचित बंदोबस्त किया जाए जी। सर आप क्या कहेंगे, आप तो बुजुर्ग हैं, कैसे कितना डर लगता है आप लोगों को? बहुत डर लगता है सर जी, आपको बता दिया कि इतना डरते हैं, रात को तो बाहर नहीं निकल ही सकते बिल्कुल भी, इतनी परेशानी होती है, चारों तरफ भौंक रहे होते हैं, आदमी कहीं जा नहीं सकता। मैं अभी कहीं गया था, आपको अभी बताया मैंने, कहीं गया था गली में 10 कुत्ते बैठे होते, इतनी बड़ी गली में 10 कुत्ते, मैं वापस आ गया, कोई भौंक रहा था, कोई क्या कर रहा है, मैं तो डर के मारा गया ही नहीं, जिसके पास जाना था किसी के घर पर मैं नहीं जा सका, इतनी परेशानी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 25-30 आदमियों को कुत्ते ने काटा, वो मैंने एक बच्चे को बोला, वो IAS की पढ़ाई कर रहा है, वो उसने फ़ोन करा शाम को किसी अफसर को, अगले दिन गाड़ी आई फिर उस कुत्ते को पकड़ के ले गई। उसने की वजह से आप लोगों को काफ़ी बड़ी दिक्कत हो पूछो मत, हर गली में 10 कुत्ते बैठे हैं, कहाँ जाए आदमी समझ नहीं आती, शाम को तो निकल ही नहीं सकते हम, रात को तो बहुत ही परेशानी होती है, सारी रात भौंकते हैं, ना सो सकते हैं ना कुछ, समझ ही नहीं आती क्या करें क्या ना करें। जिसको कंप्लेंट करो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इनको कहाँ ले जाएं। लोगों का कहना है कि इसको रोकने के लिए प्रशासन कोई कार्रवाई करे। संवाददाता वरुण अरोड़ा की रिपोर्ट, आई न्यूज ग्लोबल।